अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि HEC हायर एजुकेशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं। जैसा कि एक हमने पिछली वीडियो में बनाया था, हमने एक स्कॉलरशिप फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उस पर एक वीडियो बनाई थी। इसी तरीके ही HEC ने एक और स्कॉलरशिप अनाउंस किया, ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर PhD सिलेक्टेड फील्ड्स हैं। तो ये स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और कितने ज़्यादा चांसेस किसके होंगे सिलेक्ट होने के। तो आज जो है हम आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं हायर एजुकेशन की तरफ से, जो कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर्स में भी आई है और HEC की ऑफिशियल साइट के अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर ये अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देख रहे हैं, हर चीज़ ही अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तानी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मास्टर MPhil और इसके इक्वलेंट कोई होनी चाहिए, क्योंकि आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव द मैक्सिमम CGPA 3.0 होना चाहिए, आउट ऑफ 4 होना चाहिए, एज लिमिट्स 40-35, मस्ट ऑब्टेंड मिनिमम 70% मार्क्स इन HEC एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये क्या है, ये वही टेस्ट है जिसको हम हैट का नाम देते हैं। इसका जो क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेस का स्कॉलरशिप होता है, अगर आपने कभी देखा हो कि जनरल गैट का अगर आपने टेस्ट दिया है तो सिमिलर यही चीज़ हैट में होती है। सेम जो जनरल गैट होगा वही आपका हैट होता है, सेम पैटर्न होता है, सेम चीज़ होती है, वही चीज़ काउंट होती है। वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल, ये तीन पोर्शन होते हैं मोस्टली जो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। और सेक्शन होता है कि कितना कितना जो है पोर्शन टेस्ट में इन सेक्शन से आएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सिंपल वही प्रोसीजर है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है HEC का, आपने वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे ऑफर की गई हैं। जैसा कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसकी साइट पर देख सकते हैं। HEC एप्टीट्यूड टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है, लास्ट डेट इसकी क्या है, 18 फेब 2019, जैसा कि आप इस अनाउंस इस वीडियो में भी देख रहे होंगे और उस जो है एडवर्टाइजमेंट में भी देखी होगी। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको हार्ड फॉर्म सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहीं पे जो है ये पूरी साइट पे गिवन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के अंदर उन्होंने आपको सिंपल प्रोसीजर बताया है। वैसे तो यहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वही वाला लिंक ओपन हो जाना है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन आर मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसके साथ आपने 300 ATM से या किसी और से या डिपॉजिट स्लिप से आपने HEC के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। जैसा कि ये अकाउंट नंबर HEC ने यहाँ पे शो किया हुआ है, HEC का अकाउंट है, अकाउंट नंबर भी गिवन है और आपने कितनी अमाउंट सेंड करनी है वो RS 300 है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप ATM से ट्रांसफ़र करें ताकि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगें डिपॉजिट ऑनलाइन कराने पर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है, जॉब इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, दिस सेलेक्ट स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड इन दिस स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट एरियाज फॉर ईच पार्टिसिपेटिंग पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। का मतलब ये है कि उन डिपार्टमेंट्स को दिया गया है स्कॉलरशिप्स या उन फील्ड में स्कॉलरशिप्स अवार्ड किया जाएगा जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही हैं, जिनकी उनको ज़रूरत है। अब वो कौन कौन सी हैं, दी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस वाइज लिस्ट ऑफ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्लिक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। ये तकरीबन जो है 40 to 50 61 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की टोटल, जिसमें डिफरेंट जो हैं प्रोग्राम्स और डिफरेंट डिसिप्लिन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी नेम है, डिसिप्लिन है, नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेम ऐसे यूनिवर्सिटी नेम है, डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मतलब कि आप इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ऑफ देयर चॉइस फॉर जॉब इंटरव्यू प्लेसमेंट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है इनमें से जो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा फॉर फर्दर आपकी जॉब के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, साथ में जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। शॉर्टेज कैंडिडेट्स हु आर नॉट फैकल्टी मेंबर इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी विल बी ऑफर्ड फैकल्टी पोजीशन एज अ लेक्चरर। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं हैं, लेक्चरर नहीं है या टीचर नहीं है और आप इस स्कॉलरशिप के अंदर
सिलेक्ट हो जाते हैं तो HEC आपको क्या करेगी, यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जॉब ऑफर करेगी एज अ लेक्चरर, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एज अ लेक्चरर इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स सिलेक्शन बोर्ड स्कॉलरशिप विल ओनली बी अवार्डेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव फैकल्टी पोजिशन। तो इसका जो है आपको डबल फायदा होगा, आपको जॉब भी ऑफर की जाएगी और आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे PhD भी कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट, ऑल स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन द प्रोविनल कोटा मेरिट। कोटा मेरिट क्या है कि डिफरेंट जो है प्रोविंस, हमारे चार प्रोविंस हैं तो कोटा डिवाइडेड है, 50% आपका पंजाब का होता है, बकिया 50% आपका फर्दर जो आपके प्रोविंसेस हैं और एजे के है किसी 32 स्थान है उनका होता है। मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन HEC एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, मतलब कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जो HEC टेस्ट लेगी जिसको हैट का नाम दिया गया है, उसके अंदर आपका मिनिमम 70%, मैक्सिमम जितना हो सके तो आपके जो है चांसेस ज़्यादा होंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द फॉरन यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज ऑफ देयर चॉइसेस, मतलब कि आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी देनी है HEC के पोर्टल पे कि आप फॉरन यूनिवर्सिटीज़ की कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप PhD करना चाहते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक श्योर वेदर देयर फील्ड ऑफ सब्जेक्ट इज बींग ऑफर्ड इन देयर चॉइस ऑफ कंट्री, आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम अवेलेबल हो, मतलब कि आपने पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रोग्राम चेक कर लेना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट यूनिवर्सिटी टू सिक्योर द एडमिशन, मतलब ये कि जिस जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने उनका एडमिशन क्राइटेरिया चेक कर लेना है, रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है कि आया वहाँ पे GRE, TOEFL, IELTS या ETC वगैरह तो रिक्वायर नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपेयर इन दीज टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू या एडमिशन, अगर तो रिक्वायर हैं तो आपको ये वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसा कि उन्होंने बताया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन डाटा जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अवार्डीज विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद, जैसा कि आपने आपको पहले पता है कि HEC जो है हर स्कॉलरशिप पे एक बॉन्ड साइन कराती है, इसमें मेंशन होता है कि आपने इतने साल स्कॉलरशिप के बाद आपने इतना ही अरसा पाकिस्तान में आके सर्व करना है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन वी अप्लाई एंड 300, जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने क्लिक करना, अगर यहाँ पे भी आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास सेम वही पोर्टल ओपन हो गया जो मैं आपको दिखा रहा था। अब चलते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके पार्टनर हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिस्ट जो कि मैंने आपको दिखाई, ये वाली लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर डिमांड कौन कौन से हैं, अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी है सब्जेक्ट लिस्ट, कौन कौन किस में कर सकता है, ये आपकी सारी टेंटिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर बेंट साइंसेज के अंदर क्या क्या आएगा, बायोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आएगा, तो ये सारी जो है एक HEC ने एक प्रोवाइड किया लिस्ट, यहाँ से आप अपनी फील्ड चेक कर सकते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड है कि यूनिवर्सिटी की कौन सी डिमांड है, यूनिवर्सिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो हैं। और ये है HEC पार्टनर कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ऑफर ओपन होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया नो पार्टनर एजेंसी, PhD ऑयल करेंसी एंड फ्लांट एंड टिफ, ये आप सारा कुछ देख रहे हैं। तो ये सारा यहाँ पे जो है तमाम जितने भी कंट्रीज HEC के साथ पार्टनर हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उनके नाम, उनका डिपार्टमेंट, उनका ऑफर और उनकी करेंसी क्या है, वो सब कुछ अवेलेबल। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रिमार्क्स का सेक्शन भी है, अदर रिक्वायरमेंट अपडेट्स, कैंडिडेट्स ऑन मेरिट विल हैव टू सिक्योर एडमिशन एंड ट्यूशन फी स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आइट स्कोर इज यूनिवर्सिटी डिमांड, यहाँ पे भी आप जाके उस यूनिवर्सिटी की जो है डिमांड्स चेक कर सकते हैं और रिमार्क्स में आप सारा कुछ देख सकते हैं। सारी हैं तकरीबन, जर्मनी है, फ्रांस है, हांगकॉन्ग है, इटली है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, टर्की है, UK है, कनाडा है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे ये चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स रिक्वायरमेंट है, चाइनाज टाइप, ये लेगेसी ऑप्शन है, और यहाँ पे उसकी HEC की मेन एडवर्टाइजमेंट है स्कॉलरशिप्स की। तो हम कहाँ पे चलते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर पे। आपने अपना क्या करना है, लॉगिन को ओपन करना है। लॉगिन ओपन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड, प्रोफाइल सब कुछ है, अगर तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है तब आपने डायरेक्ट किस पे क्लिक करना है, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट पे। अब वैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है ओवरसीज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मैंने कल
ज़िक्र किया था कि जो है ना मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई। आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी ओवर क्या HEC ओवरसीज स्कॉलरशिप फेज़ 3 बैच 1। अब जब यहाँ पे आएंगे आप ये देखें ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज़ 3। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें वो कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आई हैव नॉट 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, आई एम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, दैट्स वाई दे आर सेइंग 18 ईयर ऑफ एजुकेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कम्प्लीट ये पोर्टल ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं है। तो जैसा ही आप अपना एजुकेशन कम्प्लीट करेंगे उसके बाद सिंपल आपके पास क्या चीज़ आएगी वो मैं आपको दिखाता चलूँ। जब आप इस पर लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, आप कंट्री जो है आप स्कॉलरशिप का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो है ना HEC के पोर्टल पे कोई मेंटेनेंस चल रही है जिसकी वजह से जो है ये कंप्लीट ओपन नहीं कर रहा है। ये बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट। तो जो है ना स्कॉलरशिप इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैं बताता चलूँ कि इस स्कॉलरशिप की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपने कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के